हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल आरएसपी स्टूडियो पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज करता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल वो होता है जब हम किसी दो कॉइल को पास पास रखते हैं तो एक कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से दूसरी कॉइल में एक थोड़ा EMF प्रोड्यूस होता है, तो उसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इजक्ल टू V×I। जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को डिक्रीज कर देता है, और जब करंट को बढ़ाता है तो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। सपोज कर लीजिए एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना आउट इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट इजक्ल टू आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, ये आपस में दोनों इक्वल होता है। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये ओनली AC करंट में ही वर्क करता है। अब क्वेश्चन बनता है DC करंट में क्यों नहीं करता है? क्योंकि DC करंट में एक कांस्टेंट करंट मिलता है, उससे ये वर्क नहीं कर पाता है, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता है वहाँ पे। और अल्टरनेटिंग करंट में टाइम के हिसाब से यहाँ पे करंट चेंज होता रहता है, एक बार मिनिमम होता है, एक बार मैक्सिमम होता है। चलिए हम फिगर से समझ लेते हैं। ट्रांसफार्मर सॉफ्ट आयरन कॉयर से बना होता है और ये प्लेटिंग बना रहता है। एक साइड इनपुट होता है, दूसरी साइड आउटपुट होता है। जब हम इनपुट से जो वो जिधर से हम इनपुट देते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं, जिधर से आउटपुट मिलता है उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो अलग अलग होता है। NP होता है प्राइमरी में और NS होता है सेकेंडरी में। जो हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे वो होगा IP, और जो हमको मिलेगा करंट वो IS होगा, और जो हम वोल्टेज फ्लो कराएंगे वो होगा EP, और जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो ES होगा। इधर देखिए प्राइमरी में हम सब PP लिए हैं और सेकेंडरी में ES लिए हैं। जो इनपुट होगा उसको हम P से डिनोट करेंगे, जो आउटपुट होगा हम उसको S से डिनोट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे S और NP में जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें एक EMF प्रोड्यूस होगा, वो EMF को हम ES से डिनोट किए हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट में ES, इसको हम EMF है। और यहाँ पे जो हम इनपुट दिए हैं कुछ इस प्रकार है, नीचे फिगर है देखिए अल्टरनेटिंग करंट का। जब हम अल्टरनेटिंग करंट का वो देते हैं इनपुट, तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार निगेटिव होता है, तो यहाँ पे NP होगा और इनपुट में आउटपुट में होगा NS। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इनपुट बराबर आउटपुट होता है। यहाँ पे लिखा है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, EP इंटू IP इजक्ल टू ES इंटू IS इजक्ल टू, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। इसका जब हम रेशियो लेंगे तो होगा ES बाई EP इजक्ल टू IP बराबर IS, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ES बाई EP इजक्ल टू IP बराबर बाई IS, इसको हम न्यूमेरिकल में नहीं यूज करते हैं। अगर जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेगा तभी यूज करेंगे इसका हम न्यूमेरिकल में, बाकी यूज नहीं करेंगे। जब हम किसी कॉइल को फ्लो होने वाला करंट को हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे एक EMF प्रोड्यूस होता है, उसका फार्मूला देख लीजिए, -NdΦ बराबर DT होता है। अगर हम उसी को प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बात करते हैं तो वहीं पे जहाँ पे EP हो जाएगा और इजक्ल टू -ENpΦ अपॉन DT। सेकेंडरी की बात करते हैं तो ES इजक्ल टू -NsDΦ बराबर DT हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ई इजक्ल टू, अगर हम ट्रांसफार्मेशन रेशियो की बात करते हैं तो ES अपान EP हो जाएगा इजक्ल टू NS अपान NP हो जाएगा इजक्ल टू IP बराबर IS अपान IP अपान IS हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज है और करंट ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो हो जाएगा P आउटपुट अपान P इनपुट इंटू 1000, ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू आता है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।